किसान जो है ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब से जो है किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर। ये देखिए ये देखिए ये लोग यहाँ पे मटरें छीली जा रही हैं। आप लोग यहाँ पर 77 है ना, आज 77वां दिन है आप लोगों का। हाँ जी। और आप लोगों की जो है आप कह रहे हैं कि आप लोग बिल वापस ही करा कर जाएंगे। हाँ जी। ये जो आप बिल वापस कराना और सरकार का भी ये है कि बिल वापस नहीं होगा, इसमें कौन पिस रहा है सर? आम जनता ही पिस रही है, किसान भी पिस रहा है। आम जनता कैसे पिस रही है, किसान भी यहाँ पर पिस रहा है, जगह जाम लग रहे हैं। हाँ जी, किसान के परिवार भी पिस रहे हैं। जब ऐसे 2 महीना के बैठे है, किसान को बेला तो नहीं है, ये सरकार को है। तो आप लोगों को MSP की आप लोग बात करते हैं, MSP भी तो दे दी है ना सरकार ने, कह तो रही है दे रखी है MSP देवे, लिखती रूप से देवे। देखो मैम, पूरे 3.5 महीने से किसान और हर वर्ग बैठा है, पूरी स्टेटों के लोग आ गए हैं। अब सरकार एक बोल रही है अकेले प्रॉब्लम हरियाणा को तो पंजाब को है, नहीं अकेले उनको नहीं है, सभी स्टेटों की है। आज जो आंदोलन पूरी लहर बन चुका है, पूरी स्टेटों के लोग आए हैं जहाँ। जब जितना टाइम प्रधानमंत्री जी रद्द नहीं करेंगे उतना टाइम हम नहीं जाएंगे। पूरा जोर शोर के नाल, पूरा श्रद्धा के नाल, पूरा विश्वास के नाल ये लोग मेहनत कर रहे हैं। इसका जो मेहनत का फल है वो परमात्मा लगाएगा, परमात्मा के ऊपर भरोसा है हमें। सर ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है किसान नहीं है ये लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसों में लाए जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूँ, जो झूठ बोल रहे हैं उनको भी मैं निवेदन करता हूँ, पैसों का कोई मसला नहीं, कोई दिहाड़ी से नहीं हैगा, सब आम लोग है, किसान लोग का, मजदूर लोग का, जिससे बहुत देखो किसान और मजदूर का बहुत गूढ़ा रिश्ता होता है, बहुत लंबा रिश्ता होता है, वो दोनों मिलके आए हुए हैं। तो और भी वर्ग बहुत आए हुए हैं, जो बाणिए लोग होते हैं, जिसके बिजनेस चलते दुकानों के और सेलरों के, सब लोग आए हुए हैं जहाँ। ये झूठ मात्र लोगों को बोलना चाहिए नहीं है, ये झूठ से विश्वास नहीं करना चाहिए लोगों को। जो उसमें बंदे थे ना जी, इन्वॉल्व थे जो बंदे, ठीक है ना जी, वो हमारे नहीं थे। हमारे किसान शांतिपूर्वक परेड करके आए हैं, आगे भी हम शांतिपूर्वक ही यहाँ पर बैठेंगे और आगे भी शांतिपूर्वक ही हमारा संघर्ष चलता रहेगा। आप लोग सर ये सब कह रहे हो कि हम लोग अक्टूबर तक बैठे रहेंगे, अभी आपके फरवरी में ही आप लोगों के पसीने इतने आ रहे हैं, आप लोग फरवरी अक्टूबर की बात कर रहे हो? इंतजाम है जी, यहाँ ठंडे है, AC लेके लगाएंगे जी, कूलर लगाएंगे जी। लगाएंगे तो यहाँ पे लगा रखे है का AC? LCD वगैरह यहाँ पे लगा रखा है, AC भी आ रहे हैं, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे AC भी आ जाएगा यहाँ पे। मैम हम तो चाहते हैं कि मोदी जी सारी बात जल्दी जल्दी सुने, जो बिल है जल्दी जल्दी रद्द करके तो हम घर जाए, हम चाहते नहीं है। लेकिन जो मानेगा नहीं तो हम इधर ही बैठेंगे, ये हम AC रूम बना देंगे। अच्छा, आप लोगों को लगता नहीं है कि हम अपने घर जाएं, अपने परिवार के साथ रहें? हम घर जाके क्या करेंगे, हम तो पहले भी मरे हैं, अब भी मरे हैं। ये पास बिल पास करेगा तो हम जाएंगे, नहीं तो वरना नहीं जाएंगे। बच्चे की याद तो आती है लेकिन एक दो दिन जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, ऐसी कोई बात। लोग तो यहाँ पर अपने बच्चे भी, परिवार वगैरह सब ले, बच्चे भी आते हैं इधर हमारे, बच्चे भी मिलके इधर मिलके जाते हैं, सब आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, सब लोग आते हैं इधर, बच्चे भी आ जाते हैं, मिलके चले जाते हैं। तो फिर शाम को चले जाते हैं क्या? चले जाते हैं, बच्चे 2 दिन रहते हैं, छुट्टी होती है तो चले जाते हैं, छुट्टियाँ में इधर आते हैं। तो आप लोग यानी कि बिल में है क्या है सब, बिल के लिए संशोधन करने के लिए कह तो रही है सरकार, वो कल को जो दूसरे ये संशोधन करने के लिए सरकार? नहीं वो हमने नहीं कराना ना, उसमें कोई फायदा नहीं है। मतलब ये आपने इस्तेमाल किया नहीं, कह रहे फायदा नहीं है? इस्तेमाल किया नहीं, हो रहा बिहार में, हो रहा है यूपी में, हो रहा वहाँ से। चलिए आप बात कह रहे बिहार में हो रहा है, तो बिहार का किसान क्यों नहीं आ रहा है यहाँ? क्यों नहीं, बिहार का किसान तो हमारे जाकर वहाँ क्यों नहीं आया? पूरे हिंदुस्तान का किसान आया। और सिस्टर बैठ के बात सुनो हमारी, दूसरी बात ये है, दिखाते हैं, आइए हमारे साथ बाहर आइए, दिखाते हैं कितने लोग आए हैं। अहमदाबाद, बिहार, गुजरात और राजस्थान, यूपी, सभी स्टेटों के किसान आए हैं। अब लिखकर थोड़ा मोदी जी को देंगे, हमने तो देखे हैं, हमारे साथ रहते हैं, रात को इधर आके सोते हैं कितने कितने आदमी। अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि कुछ किसानों को, ये किसान नहीं है, ये तो फर्जी है लोग हैं और जिन्हें पैसों में लाया जा रहा है। चलो उनके कहने की बात है, उनको बोलो आप आओ पैसे लो हमारे से बैठो सही, कितने पैसे लोगे बैठे हो ठंडी में? तोमर जी बैठे हैं, मोदी जी आ जाएं, कोई बैठ के दिखाए तो सही, जो पैसा लेता वो भी 5-स्टार होटल में रहेगा, यहाँ थोड़ी ना आके सड़क पेश हो जाएगा जो पैसे लेंगे। आपको पता है आप लोगों ने ऐसे जाम लगा करके आम जनता को कितना मुसीबत हो रही है? अच्छा ऐसे बोल, एक आदमी बना दीजिए कुंडली गांव का, अगर वो बोल दे कि हमने उनको परेशान किया
तो हम हमने जाम नहीं लगाया, जाम किसान ने नहीं लगाया, बंद किया तो सरकार ने बंद किया, किले सरकार लगा रहे, मोदी सरकार बंद कर रही है, किसानों ने रास्ता खोला है, आप आ रहे हैं, किसी किसान ने आपको बोला बहुत लंबा रास्ता मुझे तय करके आना पड़ा, 5-6 किलोमीटर पैदल चली, किसान ने रोका आपको कभी, कहीं भी रोका किसान ने? वो तो दिल्ली पुलिस द्वारा, यहाँ हमारा कॉफी का लंगर है बाहर, वहाँ ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं हमारे भाई साहब हैं यहाँ के रहने वाले, जब भी वो हमको बोलते हैं कि गाड़ी लोड करनी है, ये जो हमारे सारे बहन भाई हैं, दो दो डिब्बे आते हैं इनको, 10 मिनट में गाड़ी लोड कर देते हैं, आप पूछ कर देखिए किसी का काम हमने रोका है? अभी सर मैं आ रही थी तो एक मजदूर था जो यहाँ पर खोमचा लगाता था खाने पीने का, वो अपना सामान लेकर के पूरा बोरिया बिस्तरा उठा करके जा रहा था, औरैया, उसका वीडियो भी है मेरे पास, ठीक है, वो कह रहा है कि इस आंदोलन की वजह से मेरा जो काम है वो ठप हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आंदोलन में फ्री में खाना मिल जाता है लोगों को, जिससे और जो इसका ठिया होगा यहाँ पर वो भी हट गया है, तो इस कारण वो अपने भी बच्चे लेकर के जा रहा है गांव, तो किस पे आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए ना, यहाँ हमारे बाबा नानक का लंगर है 20 रुपए का, हमने तो फ्री में खिलाने खिलाना है, वो भी खाता बैठ के, वो नहीं खा सकता तो वो पंजाब में रैया चला गया कि वहाँ जाके अपना काम कर लेगा, हमने तो नहीं इसको बोला जाने के लिए, किराया पे देता, किराए पे रहता था सर, किराया भी देना, बिल नहीं, वो और थोड़ा हमारे लोग भी खाते हैं, हमारे लोग तो उनसे गोलगप्पा खरीद के लंगर लगाते हैं, इसलिए कि वो लोग जाए नहीं, अब वो जा रहा तो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हमारे। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, जो जिनका काम था यहाँ पे खाने पीने का, हाँ, आप लोग उनसे खरीद करके अपने ही लंगर में मतलब बांटते हैं? जैसे वो गोलगप्पे का रेडी आ गया, हमने 1500 में खरीद ली और सारी संघ को खिला दी, पूछ कर तो देखिए स्थानियों को, कोई एक बंदा बोल दे कि हम काम बंद हुआ, छल्ली वाला, अनानास वाला, अमरूद वाला, गोलगप्पे वाला, जलेबी वाला, जो भी आता है हमारी संगत खरीद के बाहर रेडी खड़ी करके सारी संगत को खिला देती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है कि इसमें जो आम लोग जो पिस रहे हैं यहाँ की आम जनता, वो हमारे साथ बहुत खुश है, सपोर्ट में आपके? बिल्कुल सपोर्ट में है, उनकी आमदनी जो है शॉप की आमदनी 2 गुना बड़ी है, मतलब जब से हम आए हैं हर दुकान वाले की आमदनी 2 गुना बड़ी है, ये नहीं कि हम पंजाब से ही सामान लेके आते हैं ना, जो डिस्पोजल है, पानी है, गिलास है, सब हम इनसे लेते हैं कि इनको भी फायदा हो, इतना दिमाग तो हमारा भी काम करता है ना। अच्छा सर, आपने अभी फिलहाल ही में सुना भी होगा मोदी जी इतने दिन तक चुप बैठे रहे, प्रधानमंत्री जी चुप बैठे रहे और एकदम बोलते हैं कि आंदोलन में जो है जमात लग गई है, आंदोलन जीवी उसमें घुस पड़े हैं, क्या कहोगे? मोदी जी भी जीवी थे, वो भी आंदोलन करते रहे हैं, कांग्रेस सरकार थी तब, तो उनको क्या बोलने। और दूसरी बात है, 200 किसान हमारा मर गया, उस पर तो मोदी जी ने एक बार बोला नहीं, वहाँ वो गुलाम नबी आजाद जा रहा रिटायर हो के, वो हंजू गिरा रहे हैं, ये मगरमच्छ के हंजू थोड़ी ना, किसानों के ऊपर तो हंजू मोदी जी को आए नहीं। उनकी वीडियो देखो मोदी जी की, वो भी तो यह बिल के विरोध ही कर रहे थे, देख लो आप भी देखना, सुषमा स्वराज कर रही थी, वो उनकी सरकार पहले इन्हीं बिलों का विरोध कर रही थी। आज जो आप लोगों के पास आकर के जो भी है विपक्षी पार्टी वाले आते हैं और आप लोगों को कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं, भड़का रहे हैं, हम तो घुसने नहीं देते किसी लीडर को, हमने तो पूरा तड़ी पार कर दिया पंजाब से भी और जहाँ से भी, जो लीडर आता है ना वो संगत की तरह आता है, नीचे बैठ के खाना खाएगा और चला जाएगा, कोई सियासी बात कोई कुछ नहीं, सब सियासी आदमी तड़ी पा रहा है यहाँ से, अगर सियासी आदमी घुसे होते ना तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चलता, ये 5-7 दिन में विश्वास पत्र लेके हमको ले जाते वापस वो। लेकिन सर कहीं ना कहा ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल है आप लोगों के पक्ष में है, आप लोगों को इसको पढ़ने और समझने की बहुत आवश्यकता है। ये बिल है जो हमारी फांसी का फंदा है, पहले वो क्या फांसी का फंदा है, आप अपने जो जो सामान है आपकी जो उपज होगी वो आप अपने मार्केट में जाकर के उद्योगपतियों को बेच सकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, जो बिहार के हैं लोग वो जो उपजियों क्यों नहीं बेचते, वहाँ से क्यों नहीं खरीदते, वो तो जो 2000 की चीज है ना गेहूँ, वो 900 में बेच रहे हैं और पंजाब में आके 2000 में बिक रही है हमारी मंडी में, सरकारी मंडी में, पंजाब में MSP से 1500 रुपए लेते हैं जी, पंजाब में MSP सी 1800 के करीब, ठीक है 1800 ना, तो इधर दिल्ली में बिहार में जान के 1200 में खरीद रहे हैं, बिहार में तो 1200 में खरीद रहे हैं, 1200 में, इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि पूंजीपति हैं जो 1200 लाते हैं और हमारी सरकारी मंडी में पंजाब में लाते 2000 रुपए को बेचते हैं, वो ही गेहूँ
हमारी जो 2020 रुपये किलो लेके डानी बानी और अपने मॉल में 46 रुपये पर किलो बेच रहे हैं। तो अभी कहा है मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब वो फिर से वार्ता करने के लिए राजी हैं, आप लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से 11 बार वार्ता हुई थी पहले, क्या इस बार भी ऐसी वार्ता होती रहेगी? ऐसी बात है, ये तो फैसला हमारी जथेबंदियों ने लेना है, वो क्या फैसला लेती है, हम तो हमको तो जो वो बोलेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे। मतलब आपके नेता लोग जो बोलेंगे। हाँ, और मैं आपको एक और बात बता दूं, हमने गर्मी का इंतजाम भी कर लिया है। पाँच दिन बाद हम रूह अफ़ज़ा और ठंडी लस्सी पिला रहे हैं लोगों को। हम जाने वाले नहीं है यहाँ से, रहेंगे यहाँ ही पूरा। आप आइएगा थोड़ी देर में, पूरा इंतजाम गर्मी का करके रख लिया हमने। मतलब आप ये पूरा ठान रखा है कि बिल वापस करा कर जाएंगे? सर एक तरफ कहते हो कि हम वार्ता करने के लिए राजी हैं, ये है वो है, एक तरफ आप इस तरीके से कहते हो। नहीं, हमने तो रद्द कराने हैं वार्ता, हमारे जो लीडर है ना किसान लीडर वो करेंगे, लेकिन हमने तो रद्द करा के जाना, जैसा उनका हुक्म होगा वैसा ही हम मानेंगे। जो फैसला तो हम सुबह भी चल जाएंगे, हमें क्या है? संशोधन क्या हो रही है सरकार करने होगा, वो फिर वो ही रहेगा संशोधन में। क्या हुआ सर, डब्बा ही तो है, उसमें से डब्बे में से सामान ही तो चेंज होगा, चेंज ही तो करवाना है आपको। आपका डिब्बे में चीनी नहीं है तो रख के क्या करोगे, गिरा दो उसको बाहर, क्या करोगे? आप तो डब्बे के पीछे पड़ गए हो सर, चिट भी अपनी पट भी अपनी, कुछ तो करना पड़ेगा। हमने तो वो कर देंगे ना, ये तीनों का काले कानून, तीनों जो है ना इनको कैंसिल कर लिया तो फिर नहीं, डब्बा तो जहर वाला सी, उसको फेंकना चाहिए। अच्छा, यानी कि डब्बा खत्म ही करवाना चाहते हैं, यानी कि ये बिल ही पूरा रद्द करवा के जाओ। बिल्कुल, स्प्रे करते हैं डब्बे को, जमीन में दाब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खत्म करा के जाएंगे, होना चाहिए डब्बा। अच्छा, तो यहाँ से अब आप पूरा अक्टूबर का इरादा है, अक्टूबर तक पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं जी। अभी जो आंदोलन में जो है, अभी फिलहाल इतनी सख्तियाँ कर दी गई हैं, कहीं से रास्ते नहीं यहाँ पे खुले हुए हैं, जो भी थोड़े बहुत खुले हुए हैं उसमें से एक दो लोग मतलब आ सकते हैं, इतनी संख्या जो अब कैसे होगा ऐसे आंदोलन? तो देखिए थोड़ा थोड़ी संख्या में तो नहीं होता ना, बड़ी संख्या चाहिए होती है इसके लिए। तो जितनी देर बाबे नानक का हाथ है ना किसानों के ऊपर, जो मर्जी सरकार कर ले, रास्ते बंद कर देवे, किले लगा लेवे, जो मर्जी कर दे, कुछ नहीं होगा। हमारे जो हमारे नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को तत्ती तवी पे बिठा दिया इन्होंने, हमारे सिखों को ऐसे काट दिया छोटा छोटा करके, भाई मनी सिंह को, तब नहीं वो डोले स्टील के डंडे क्या है, कुछ नहीं होगा। खा लेंगे आप लोग, ये कुछ नहीं कर सकते। स्टील के डंडे पक्का इरादा है आप लोगों का, बिल माफ करा के जाएंगे, पक्का इरादा है। इधर 6-6 महीने का लंगर पड़ा हुआ है, की कृपा है, यही साबन साबन तेल जो भी नहाने का कोई भी, सुबह तो लेकर सब सब सामान है इधर, हमने हर तरह का इंतजाम कर रखा है सरकार पे। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि इंतजाम कर रखा है, उस दिन आपने देखा था जब 28 तारीख को जब आप लोगों को हटाया जा रहा था, तो सब लोग तो आप चले गए थे? एक आदमी नहीं गया, एक आदमी इधर ही थे, वो तो वो गया। ऐसे हुआ की जो 26 तारीख की परेड में लोग खाली, हमने जो बुलाए थे ना, हमने जो अपने भाई बहन बुलाए थे 26 के लिए, वो ही गए, उनको कि 26 की परेड के लिए जाएंगे, पीछे काम है आलू का, गन्ने का है, गेहूं का है, वो भी देखना है ना, इसके साथ साथ कारोबार भी चलने चाहिए ना। एक एक आदमी तो कैसे चल रहा है कारोबार? बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है। आप लोग यहाँ बैठे रहते हो, हमारे घर में हमारे दादाजी हैं, डैडी हैं, भाई हैं, काम करने वाले बंदे हैं, कहा जा रहा है नकली किसान बैठे हैं यहाँ, इनके कहने पे थोड़ी ना है। अच्छा सुनिए सुनिए, अगर हम नकली किसान हैं तो भाजपा को पंजाब में घुसने नहीं दे रहे हैं लोग इलेक्शन में, अगर हम नकली होते तो फिर उनको बोलते आ जाओ भाई इलेक्शन लड़ो। देखो ना हरियाणा के भाई जो हमारे हैं, इन्होंने सरकार का एक सीएम का जहाज नहीं उतरने दिया, ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। अच्छा, कंगना रनावत जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, पंजाब आएगी तो? नहीं, उसका हम नाम भी नहीं लेंगे, अपनी जबान गंदी करेंगे ना, ना ना उसको हम हवा नहीं देंगे, तुच्छ है हमारे, जो बोलना है बात ही नहीं करते। जब कंगना का बारी आएगा फिर उसके साथ गल करनी, उसको जब हम कंगना के घर जाके बैठ गए ना हिमाचल में, तो फिर पता चलेगा उसको कि जो रिहाना जो है, विदेशी लोग भी जो आप लोगों के लिए ट्वीट कर रहे हैं, क्या कनेक्शन है क्या कोई आप लोगों का? दर्द है दर्द, वो नहीं सर, कोई ना कोई कनेक्शन है, कनेक्शन हमारा क्या पूरे किसानों को, कोई विदेश की विदेश मतलब विदेश से जो है सिंगर है वो लोग ट्वीट करेंगे आप लोगों के लिए? पूरा वर्ल्ड देख रहा है, जो हमारे भाई बहन बैठे हैं अमेरिका में, जो हमारे भाई बहन बैठे हैं वो वहाँ करते हैं अनशन,
वो देखते हैं क्या कर रहे हैं भाई, खबर कहाँ नहीं जाती। वो भी तो खेती वर्ल्ड में गए हुए हैं, इधर सभी हमारे भाई बहन हैं वहाँ गए हुए। अच्छा ये आप लोग इतने दिन तक यहाँ पे जो बैठे रहेंगे, आप लोग जो जो भी है यहाँ पर रास्ता जो जाम हो रहा है, कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालते आप लोग? मोदी आज ही करे सुबह, सरकार निकाले ना रास्ता, हम तो तैयार हैं वार्ता करने को। नाक की बना कर बैठ गए कि भाई हट बना करके कि जी नहीं बिल वापिस करा के जाएंगे, बिल वापिस करा के जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता। नहीं अगर ऐसे जाएंगे तो हमको घर जाने देंगे, हमारी बच्चे हमारी बीबी जाने देंगे? वादा करके आए हो? ऐसे करके नहीं जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे। छपंजा इंच की छाती मोदी जी की नहीं, हमारी है, मिलके देखो। हाँ उसका नहीं है ना, होता तो तुरंत ही बोलता करो यार, ये भी हमारी भाई बहन है। लगता है करेंगे मोदी जी? करना पड़ेगा, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, दूसरी सरकार आएगी, इलेक्शन आ जाएगी, बैठे 2024 तक बैठे रहोगे? हमको क्या है, रोटियां खाने खाते रहे, घर में ही खाते हैं। ऐसे कब तक बैठे रहोगे, फिर दूसरी सरकार आ जाएगी? नहीं दूसरी सरकार को भी आएगी वही जो किसान चाहेंगे, अब नहीं भाजपा, जो किसान चाहेंगे वही आएगी। हाँ जो किसानों के साथ पूरा लिखती वादा करेंगे भाई, इसको क्या होता है, यानी कि आप लोगों ने ठान लिया बिल वापस करा के? बिल्कुल, अरे हमारा बस चलता, हम तो वोटे बना लेते दिल्ली में। अब क्या संख्या बढ़ेगी क्या आप लोगों की? बड़ी है संख्या हमारी, कम थोड़ी है। देखिए ना पूरा गाजीपुर बॉर्डर तो थोड़ा कम हो गई संख्या, वो 28 तारीख के बाद बहुत बढ़ गई, वहाँ हरियाणा बहुत फिर कम हो रही है। नहीं नहीं वो सभी कर आज का पेपर उठाइए ना सर। नहीं वो पता क्या बात है, हरियाणा में महापंचायतें कर रहे हैं ना लोग, वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं सारे। अच्छा। जैसे करनाल में महापंचायत हो गई, वहाँ के लोग कहाँ गए फिर, वहाँ के भी तो लोग वो जो बैठे हैं हमारी तरह बैठे हैं, जैसे पंजाब में भी कल परसों हमारी जथेबंदी भी कर रही है जगराओं में महापंचायत, तो फिर लोग जो उनको थोड़े लोगों को जाना पड़ेगा, आराम करने का समय आता है कहते हैं आप लोग की महापंचायत थी इसलिए चले गए, आप लोग आराम करने चले जाते हो? नहीं आराम तो हम करते नहीं है, आराम कैसे करेगा, आराम आराम है, राम नहीं कभी काम नहीं हो रही हमारे सारी सभी गाँव में हो गया है, हर गाँव में इधर हफ्ते में 20-50 आदमी आएंगे, जो नहीं आएगा तो आएंगे, सभी आएंगे, जो पहले बैठे वो जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, आप लोग आएंगे मतलब आदमी एक गांव से आएंगे आएंगे। संदेश भेजते हो क्या आप लोग आने के लिए? हाँ नहीं वो ऐसे ना टर्न टू टर्न बांध लिए है, जैसे 10 आदमी आ जाए हैं वो 5 दिन हफ्ता रहेंगे, एतवार टू एतवार, अगले सोमवार फिर दूसरे आदमी, फिर डे टू डे बांध रहे हैं सभी पंजाब में गाँव में हो गया। आप तो युवा है, आप लोग तो पढ़ते होंगे ना? जी पढ़ते हैं, प्लस टू किया है। आपकी पढ़ाई नहीं खराब हो रही है? सोचना चाहिए ना, पढ़ाई खराब हो रही है हमारी, मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि हम पंजाब के युवा हैं, हमारी पढ़ाई खराब हो रही है, तो हम तो खेती ही करेंगे बाद में अगर ऐसे पढ़ाई खराब। आपने बिल पढ़ा, आपने बिल पढ़ा है जी? पता है बिल, ये फांसी का फंदा है बिल, और क्या है, क्या है फांसी का फंदा है, और क्या जो है ना तो बच्चों को मालूम चल गया ये बिल खतरनाक है, यानी कि आप लोग बिल वापिस करा के ही जाएंगे आप लोगों ने कहा, अक्टूबर तक का इरादा है, जितनी देर मर्जी जरूरी अक्टूबर तक है, इधर सरकार को डिपेंड है जी, सरकार जब बनेगी उधर जाएंगे। सुबह कह दे जाएगा किसान बिल रद्द हो जाए तो बिल वापिस तो घर वापिस, हमें खुशी थोड़ा ना बैठने की, बिल वापिस करके अभी हमने रहना, फिर 5-10 दिन रहेंगे यहाँ वापस करके दिल्ली घूमेंगे, फिर जाएंगे मोतीचूर के लड्डू बांटेंगे, और पूरा पंजाब लेने आएगा यहाँ से, पंजाब हरियाणा वापस हो जाएगा। हाँ हाँ लेने आएंगे, खुशी मनाएंगे, पूरा लेने आएंगे जी, खुशी मनाएंगे, सभी युवा सेवा दे रहे हैं। नहीं नहीं देखो जो ये सरकार है ना, भीड़ इकट्ठी करी जा रही है, ये तो बहुत कुछ बोलेगी, हम इनकी तरह नहीं है कि 150 में 200 में ये आदमी लेके वो जो पत्थर फेंकते हैं, हमारे ऐसे काम नहीं है, हम जो है ना जो शांति बनाई के रख रहे हैं इतनी देर से, आपको भी मालूम होगा कि कोई तनख्वाह लेके कोई शांति से नहीं बैठ सकता, वो उसको घर में भी कोई काम होता है, हम तो अपनी जमीर है ना, जो हमारी जमीर जागती है, चाहे किसी के पास जमीन है चाहे नहीं है, सभी लोग जहाँ पे है शांतिपूर्वक आपका धरना प्रदर्शन ऐसे चलता है। जितनी देर तक ये शांति बना के रखने के लिए कहेंगे उतनी देर तक शांति है, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, जो हमारी यूनियन है वो जो बोलेगी वो करेंगे। देखिए यहाँ पे पानी की सारी बोतलें रखी हुई है, ये एसी का प्रबंध कर रहे हैं, एसी का भी यहाँ पे अब प्रबंध होने वाला है।